जय श्री राम गाइस। इस बार आप लोग के लिए लाया है पुराना बीस्ट मोबाइल, ओल्ड इज़ गोल्ड है ये। पहले भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहती थी। पोको X3 प्रो डिवाइस की BGMI टेस्ट होगा फिर से 2023 में। पोको मोबाइल कंपनी ने इस मोबाइल को सिर्फ गेमिंग पर्पज़ के लिए बनाया था, और इसका जो प्रोसेसर था स्नैपड्रैगन 860, बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर था। और इस प्राइस रेंज में जब पहले ये मोबाइल आता था 20,000 में, 20,000 के बजट में आपको और कोई डिवाइस इतना बढ़िया प्रोसेसर प्रोवाइड नहीं करता था, और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही भयंकर रहती थी। 60 FPS जो रहता था बहुत ही स्मूथ रहती थी। अभी 2023 में इस मोबाइल को कोई नया लेने से डरेगा, क्योंकि बीच में इसमें डेड होने की प्रॉब्लम हो रही थी, काफ़ी लोगों के मोबाइल डेड हो गए थे। अभी आप लोग अगर इसको सेकेंड हैंड भी ख़रीदेंगे तो आपको ये 8 से 10 हज़ार की रेंजिंग में मिल जाएगा। ठीक ठाक कंडीशन है, फिर अच्छी कंडीशन कोई मिल जाएगा। अब बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट BGMI टेस्ट इसका, और देखते हैं 2023 में ये कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। ग्राफिक्स की बात की जाए तो आपको स्मूथ से लेके HDR तक का सब पे एक्सट्रीम ऑप्शन मिलता है। सारी सेटिंग्स में आपको एक्सट्रीम 60 FPS मिलता है, बस अल्ट्रा HD ऑप्शन में आपको अल्ट्रा मिलता है। तो इसका डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हैंड कैम वाला टेस्ट। आप लोग हैंड कैम भी देख लीजिए, और इसमें रिकॉर्डिंग भी ऑन है तब भी आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं वो नॉर्मल ग्राफिक्स स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे करेंगे, क्योंकि मोस्टली प्लेयर जो गेम खेलते हैं वो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे ही खेलते हैं। मैंने इस डिवाइस में कॉम्पिटेटिव भी ट्राई करा है, बहुत ही कम लैग देखने को मिलता है। कॉम्पिटेटिव तो आप लोग खेलते रहेंगे, बट मेरी एक बात तो सुनिए, आप लोग वीडियो पूरा देख लेते चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, अच्छी बात नहीं है। 98.1% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कराया, कुछ लोग तो सब्सक्राइब भी बटन दबाइए। ये डिवाइस ऐसी परफॉर्मेंस देता है कि आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन भी रखेंगे तब भी आपको 60 FPS परफॉर्मेंस दे देगा। आप लोग मान लीजिए रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं, फ़ोन भी हीट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लीजिए ड्रॉप होएगा भी तो 55 तक का ड्रॉप जाता है, बट तुरंत ही वापस 60 आ जाता है। आपको बीच फाइट में कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा, चाहे जितने बंदे आ जाए, 4-5 स्क्वाड भी आ जाती हैं एक जगह तो भी आपको इसमें लैग देखने को नहीं मिलता है। जब तक आप लोग इसको एक्सट्रीमली बिल्कुल ही भयंकर हीट नहीं करेंगे तब तक आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। बीच में इसमें MIUI 13 जब नया नया आया था, जब ये स्टेबल नहीं था अपडेट, तब इसमें आपको बहुत भयंकर लैग देखने को मिलता था। पर जब धीमे धीमे अपडेट्स आने लगे, अपडेट्स हो गए थे MIUI 13 के, तो काफ़ी स्टेबल परफॉर्मेंस हो गई थी वापस से। प्रेजेंटली मैं iPhone X में गेम खेलता हूँ, बट इससे पहले मैं Poco X3 Pro में ही गेमिंग करता था, और उस टाइम पे मेरे को सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाला मोबाइल यही लगता था। और अभी की बात करी जाए तो iPhone X को ये कॉम्पीट कर सकता है अभी भी। प्रोसेसर तो उसका बेस्ट था ही था, साथ में इसकी जो बैटरी थी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग थी। एक चार्ज में आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता था। और बात की जाए स्क्रीन साइज़ की, तो स्क्रीन साइज़ भी काफ़ी बड़ी थी, 6.7 इंच की डिस्प्ले है। आप लोग को गेम खेलने में और बंदे स्पॉट करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। वीडियो का कंक्लूजन मैं ये रखने वाला हूँ कि अगर आप लोग को ये डिवाइस 8 से 10 हज़ार की प्राइस रेंज में मिल जाए तो सेकेंड हैंड आप लोग इसको ख़रीद लीजिए तुरंत ही, अगर आप लोग का मन हो तो ही। परफॉर्मेंस तो इसमें बढ़िया मिलेगी आप लोग को, बट मैं ये कहूँगा अगर आप लोग नया सोच रहे हैं तो नया लेने का कोई मतलब नहीं है इसको अभी। और गाइस नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन कि आप लोग रिस्क लेके इस मोबाइल को ख़रीदना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ वीडियोस पड़े होंगे iPhone X रिलेटेड, या फिर iPhone से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस हैं, आप लोग चैनल पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग को और कोई डिवाइस का BGMI टेस्ट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन मुझे बता दीजिएगा।